तो अंदर खाना कितने कमरे बनेंगे बोले था दो दो कमरे बनेंगे दो कमरे बनेंगे और दो कमरों में किचन कैसे बनेगा मतलब खाने का एरिया कैसे बनेगा खाने का बाहर बनेगा अलग से खाना अंदर नहीं बनेगा ना. वो भूसे के कारण हाँ, तो, उसके अंदर नहीं बनेगा वो काले हो जाएंगे ना कपड़े इसमें तो इन्होंने हमें बताया कि ये घर खुद बनाते हैं थोड़ी सी अचरज की सर एक सीन में थोड़ा सा बता दू इस एरिया के बारे में थोड़ी सी अचरज की बात आपको इन घरों में दिखेगी कि ये अभी भी पुराने तरीके से बन रहे हैं घर है जबकि इस इलाके में अधिक और जगह ऐसा नहीं है तो आप लोग ये पुराना तरीका आपकी कोई काश्तकारी का आपका काम था इस तरीके का काम था नहीं, इस नहीं, जितने भी खानदानी है जितने गुजर हैं सारे ऐसे ही बनाते हैं घर अच्छा सारे ऐसे ही बनाते हैं जितने गुज्जर है हरिद्वार से लेके तेरा पंजाब तो आप, आप गुर्जर समुदाय से आते हैं आ, है तो इस एरिया में गुर्जर और भी कहीं रहते हैं या आप ही लोग है? नहीं तो प्रधान भी गुज्जर है अच्छा तो आप बता रहे थे कि एक घर बन रहा है इसमें लकड़ी बन रही है तो कैसे कैसे तय होता है कैसे बनाते हैं अब इसके नीचे पत्थर लगाएंगे आप कहाँ पे लगाएंगे पे लगेंगे इतना तक इसमें पत्थर भरेंगे तक बली लगी है तो जहां तक लगी पत्थर भरेंगे भरेगे हाँ। और फिर उसके बाद उसमें तिरपाल ओढ़ा जाएगा तिरपाल के बाद घास डाला जाएगा इसमें और नी, नीचे का जो एरिया छोड़ रखा है वो उसमें पत्थर लगाएंगे दीवार लगाएंगे तो इतना पत्थर कहाँ से आता है ये सारा जो है किसी गाड़ी वाले से अपने कंधे में ढो के भी लाना पड़ता है कहाँ मिलता है इस इलाके में कहा मिलता है नदी के पास नदी किनारे हाँ नदी किनारे मिलता है और किस हिसाब से आप तय करते हैं कि खिड़की कैसे बनेगी दरवाजे कैसे बनेंगे खिड़की तो देख ले बना रखी तरीका और यहाँ पर एक दरवाजा बनेगा एक दरवाजा बनेगा और आप लोग कितने कमरे बनेंगे इस घर जैसे घर है किसके लिए बना रहे तो हैं तो आप तो पहले ये बताइए कि के के आप बना रहे हैं घर ना हाँ मेरे लड़का है अपने लड़के के लिए बना रहे हैं अभी के लिए। अभी आपके साथ ही रहता है मेरे साथ तो नया घर मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि क्यों बना रहे हैं शादी हो गई इस कारण या शादी हो गई तो आप नया घर बना रहे हैं खुद अपने हाथ से वो भी आपके साथ मिलकर बनाता है लड़का मेरे साथ है तो यहाँ जैसे परि आप कह रहे थे एक ही भाई ही लोग हैं तो ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से पहले एक घर होगा दो घर होंगे फिर जैसे जैसे परिवार बढ़ते गए बढ़ते रहेंगे तो ऐसे ऐसे अपना उनका अलग अलग बनाते रहेंगे मकान और ये जब जैसे यहाँ फर्श है फर्श में क्या डालेगा फर्श में इसमें अभी तो पत्थर डालेंगे उसके बाद में इसमें सिमट डाल देंगे अच्छा और जैसे ये इसके ऊपर बनेगी भूसा डालेगा आप कह रहे थे इसके ऊपर वो डालेगा जो इसका चीड़ का घास है ना

और खाने में क्या क्या लोग क्या आपका यहाँ का क्या आप कह रहे थे यहाँ क्या हैं तो साधा ही है हमारा हमारा ये भी है कि मेरी बात हम चावल कम खाते हैं रोटी ज़्यादा खाते हैं अच्छा और जैसे यहाँ टॉयलेट टॉयलेट तो आदि की व्यवस्था है कि नहीं है नहीं है बिल्कुल नहीं सर उसके लिए नदी किनारे का ही उसके नदी के किनारे जाना पड़ता है यहाँ के प्रधान है उन्होंने कुछ किया नहीं तो आप लोग कभी आते हैं या वो जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं कोई वोट वोट मांगने आता है नहीं अभी नहीं आए जब अब कल चुनाव का टाइम कल है ना तो हाँ। कल आएंगे वो आज नहीं आएंगे चुनाव तो जैसे वैसे चौदह को है होने हाँ। को पर प्रचार चल रहा है हाँ तो प्रचार वाले ही दिन बुलाएंगे बाकी कोई नहीं बुलाता कि भाई हमारे से कुछ ज किसी प्रधान ने कोई सहायता की नहीं और यहाँ जैसे आप लोग कहते हो कि हमारे लिए टॉयलेट बना दो तो क्या कहते हैं कि वहाँ ओलीज है वो तुम्हारे नाम पर नहीं है तो हमारे नाम पर नहीं ना हमारे बाप के नाम पर थे हमारे दादा के नाम थी ये ज़मीन आपकी नहीं है आपके लिए मतलब आप पक्का पक्का निर्माण नहीं कर सकते ऐसा क्या पक्का निर्माण नहीं तुम कर सकते और तुम्हारे नाम पर लीज होगी जिस दिन उस दिन तुम्हारा हम ग्राम सभा से कुछ भी है हम मदद करेंगे तो पक्के कागजात कागजात कुछ नहीं होंगे आपके पास अभी नहीं है जो थे वो जल गए थे इसमें आग लग गई थी इसमें आग लगी थी ये कोठे में ये पीछे वाला ये बड़े वाला उसमें आग लग गई थी तो आपके सारे कागजात जल गए जल गए थे और जैसे बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं बच्चे यहाँ नहीं कर सकते पढ़ाई दूर है स्कूल दूर है हाँ दूर है तु... मोरी जाना पड़ता है जहाँ बठोतरा जाना, बठोतर जाना पड़ता है जहाँ यहाँ बेंद्री जाना, जाना पड़ता तो आप लोग जैसे एक पुराने तरीके से रहते हैं यहाँ आप लोग ऐसा नहीं सोचते कि बच्चे पढ़े आगे जाएं आगे जाए लोग थोड़े सोचेंगे हमारे बारे में हमने तो बीस बार दे दिया कई बार प्रस्ताव दे दिया है यहाँ का बना के मगर कुछ नहीं आ, आप ही यहाँ के सबसे सीनियर आप ही हाँ बड़े हम यहाँ आप जाते हैं प्रधान जी से मिलने और मिलने किसी से जा मिलने गए प्रधान जो है ना उरे परे की बात लगा के टाल देता है हमने कई बार लिख के दे दिए यहाँ और जैसे यहाँ ठंड पड़ती है तो ठंड में गुजारा हो जाता है तो करना पड़ता है साहब हमने तो ऐसे ही करना पड़ता है अब लोगों को पास तो पैसा भी है तो हमने तो मजदूरी करनी पड़ती है मजदूरी करके अपना बच्चों का भी देखना है बाकी पर अपना ये जो डेरा डेफेरा इसके लिए बारे में सोचना चलिए हमारे कैमरा मैन ने आपको दिखाया होगा ये पूरे इलाके में इस तरीके के घर बने हुए हैं जिसमें ऊपर से आ, भूसा जैसा डला हुआ है ये बोल रहे हैं कि ये चीड़ का पत्ता होता है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं चीड़ के पेड़ से सूख के निकलता है और इसे छत में डाल देते हैं ये वैसे खतरनाक भी थोड़ा होता है क्योंकि ये आग आसानी से पकड़ता है तो इस वजह से वो बता रहे थे कि बाहर खाना बनाया जाता है टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है पक्का मकान नहीं बन सकता फिर भी किसी तरीके से एक सड़क के किनारे अपना एक परिवार इन्होंने लोगों ने बनाया हुआ है और कुछ उस तरीके से रहते हैं जो हमें अभी थोड़ा आदत नहीं है खासकर हाईवे के पास के या पक्की रोड के आसपास के जितने भी हमने घर देखे वो ऐसी स्थिति में नहीं थे अंदरूनी गांवों में ऐसी स्थिति में घर मिल जाते हैं पर सड़क के किनारे ऐसे घर नहीं मिले लोग के पास सीमेंट के घर हैं तो सर आ, आपको भी इच्छा होती है सीमेंट के घर टाइप में रहने की या पक्के पक्का वक... होते हमें मिलते ही नहीं हमें कोई देता नहीं सरकार ने हर जगह दे रखे हमें अभी तक मिला नहीं हमें तो कहते हैं प्रधान हो जाएगा इस बार वोट दे दो आप ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਮ ਤਾਂ ਬਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤ ਸੇ ਖਰੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤ ਸੇ ਲਾ ਰੱਖਾ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਭ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰੱਖਾ